नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि पूरी कमांडो फोर्स और पुलिस वाले जो कि कोर्ट परिसर के अंदर आने के बाद में चारों तरफ से तो पहले से ही घेर लिया है उन गैंगस्टरों को, लेकिन अंदर आ जाते हैं और अंदर आके उन लोगों को एक ही बात बोलते हैं कि या तो एक सेकेंड में अपनी गन को नीचे कर लो, नहीं तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि दोस्तों इतनी फोर्स होती है कि वो जितने भी गैंगस्टर थे वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार करा क्या जाए। क्योंकि दोस्तों वो उन लोगों ने ऋषि लक्ष्मी और पूरे परिवार पर बंदूक तान रखी थी, इसलिए अब फाइनली सरकार को ठोस कदम उठाना ही पड़ा है। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और काफ़ी दिलचस्प भी होने वाला है। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से जो गैंगस्टर थे जिन्होंने कोर्ट परिसर के अंदर तबाही मचा रखी थी, अब उनका खात्मा होने जा रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से मलिष्का पूरी तरीका से एक्सपोज होने वाली है, क्योंकि इस केस के बाद में लक्ष्मी ऋषि से बोलती हुई नजर आने वाली है कि आखिरकार बलविंदर कोर्ट के अंदर क्या कर रहा था। जिसके बाद में ऋषि बोलता है बलविंदर कहाँ था, वो बता देती है लक्ष्मी के ऐसे इस भेस में था। जिसके बाद में अब मलिष्का से पूछा जाएगा कि बलविंदर तो तुम्हारे साथ था, इसका मतलब तो तुम बलविंदर को कैसे तुमने कोर्ट में बुलाया, क्या ये तुम्हारी तो साजिश नहीं थी। दोस्तों इस समय मलिष्का पूरी तरीका से फंस चुकी है, क्योंकि मलिष्का लगातार प्रयास करती है लक्ष्मी को फंसाने के लिए, लेकिन लगातार खुश फंसती है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि लगातार ही आप लोग देख रहे हैं कि बलविंदर और मलिष्का एक साथ मिल रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर से देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी को बाइज्जत बरी करके घर भेज दिया जाता है और जो गैंगस्टर थे सबके सब को एक बार फिर से कस्टडी में लेकर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।